देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत और सिंगापुर के बीच दूसरे राउंड की मंत्री स्तरीय बैठक आज सिंगापुर में होगी। इस बैठक में भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर रहेंगे। यहां वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, साथ ही वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए भी जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय भ्रमण पर आज गंगोली हाट जाएंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:50 पर गंगोली हाट स्थित दशा इथल हेलीपैड पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक के साथ ही जनता से भी संवाद करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि पार्टी की ये बैठक 4 दिनों के लिए आयोजित की जाएगी। मथुरा के बलदेव में विश्व प्रसिद्ध श्री दाऊ जी महाराज मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज मनाई जाएगी। आज मध्य रात्रि को विशेष अभिषेक व विशेष श्रृंगार के साथ कृष्ण लला के विशेष दर्शन होंगे। राजसमंद में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस 29 अगस्त के मौके पर राष्ट्रीय खेल दिवस सप्ताह भर मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से होगी। इस दौरान जिले में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। हरदा जिले के सभी कृषि उपज मंडियों में आज भी नीलामी कार्य बंद रहेगा। बता दें कि 24 अगस्त को माह का चौथा शनिवार और 25 को रविवार के चलते मंडी प्रांगण हरदा में 2 दिन से विपणन काम बंद था, जो कि आज भी जन्माष्टमी की वजह से बंद रहेगा। हिमाचल प्रदेश में आज से आधिकारिक तौर पर उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा शुरू हो रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग मणिमहेश यात्रा के लिए चंबा जिले के भरमौर पहुंच रहे हैं। आज से शुरू हो रहे सप्ताह में प्राइमरी मार्केट में 9 नए IPO दस्तक देने के लिए तैयार हैं। इनमें से 3 इशू मेन बोर्ड सेगमेंट के हैं। पहले से खुले 2 IPO में भी नए सप्ताह में पैसा लगाने का मौका होगा। यूपी के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। यूपी मौसम विभाग की ओर से सोमवार को देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में बादल गरजने और बिजली गरजने की उम्मीद जताई गई है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 1910 में भारत रत्न सम्मानित मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1920 में अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार मिला था। आज ही के दिन 1999 में माइकल जॉनसन ने 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आज ही के दिन सन 2010 में HIV संचरण के लिए कानूनी कार्यवाही की गई थी। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।